يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال و اکرام کے لیے خاص ہے جس نے میدان بدر میں نہتے کمزور بیمار لاغر اور تقریباً غیر مسلح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی. انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو امام المجاہدین نبیش الملاحم سرور کون و مکان احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہمیشہ ہی رحمتیں ان لوگوں پہ نازل ہوں جنہوں نے شریعت کے عین مطابق جہاد کیا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظم ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. 17 رمضان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کو ایک عجیب معرکہ دکھایا، جس معرکے کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور یہ ایک اتفاقی حادثاتی جنگ تھی. باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ قریش مکہ کا تجارتی قافلہ وہ گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی نیٹ ورک نے آپ کو اطلاع دی کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 بندے ہیں اور بہت سارا ساز و سامان ہے، اگر آپ اس پہ اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں، اپنا قبضہ مکمل کر لیتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کو ناکو چلے چبوا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جتنے بھی لوگ تھے یا قریبی لوگ تھے، آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. صحابہ کرام آنن فانن تیار ہوئے، اور جن میں سے جو انصار مدینہ ہیں
उनकी तादाद 231 थी और जो मुहाजिरीन हैं उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 86 थी। 231 अंसार मदीना रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और 86 मुहाजिरीन मक्का रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। पूरे लश्कर में 70 घोड़े, 70 ऊंट और सिर्फ 2 घोड़े थे पूरे लश्कर में। और ये लश्कर 313 या 319 तक की तादाद पर मुश्तमिल है। आप जरा गौर कीजिए, 313 ही लगा लीजिए 70 ऊंट हो तो एक ऊंट पे 3-3, 4-4 बंदे सवारियां कर रहे हैं ना। ये है इस्लाम के लिए कुर्बानी, ये है दीन के लिए कुर्बानी। हमने क्या कुर्बान किया है? हमने कोई कुर्बानी नहीं दी जिस वजह से हमें इस्लाम की दीन की कदर ही नहीं है, हमें अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। मुसनद अहमद की रिवायत है 3901 नंबर पे कि एक ऊंट है जिस ऊंट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी के अंदर 2 सहाबा इकराम और शरीक है। ये नहीं है कि आप कमांडर हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप इमामुल मुशाहिदीन हैं, आप अकेले शायद नहीं, दूसरे साथी हजरत अली रसी अल्लाह ताला अन्हो है और तीसरे साथी हजरत अबू लुबाबा रसी अल्लाह ताला अन्हो है। इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तकरीबन जो 200 किलोमीटर का सफर है हम पैदल कर लेंगे, हम आपको अपने ऊपर तरजीह देते हैं, जब ऊंट पर सवार होने की बारी आए तो आप भी हमारी बारी के ऊपर सवार हो जाया करें। मुजाहिद पैगंबर ने और दलेर पैगंबर ने, मुजाहिद रसूल ने, नबीशुल मलाहिम ने, जंगों वाले पैगंबर ने क्या पैगाम दिया? फरमाया मा अंतुमा बेअक्वा मिन्नी, अली और अबू लुबाबा तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, और दूसरी बात यह है वला अना बेअग्ना अनिल अश्री मिनकुमा, ये नहीं हो सकता तुम पैदल चल के ज्यादा सवाब हासिल कर लो और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर बैठकर तुमसे निस्बतन कम सवाब हासिल करूं। जाहिर बात है तुम मुशक्कत बर्दाश्त करोगे तुम्हें ज्यादा सवाब होगा। जिसे आजकल भी आप देख लें कि वो लोग जो मुशक्कत के अंदर रोजे रखते हैं, गर्मी है, मुलाजमत है, नौकरी है, मजदूरी है, दिहाड़ी है, इनका अजर सवाब, और वो लोग जिनकी जिंदगी और जिनका रोजा ऐश और तनाव के अंदर गुजरता है, ठंडी छाओं के नीचे और बेहतरीन आसाइश के अंदर गुजरता है, दोनों के अजर सवाब का फर्क है। आपने कहा अली और अबू लुबाबा मैं अपनी बारी पर ऊंट पे सवार होऊंगा और अपनी बारी पर ही पैदल चलूंगा। बहुत सारी बातें हैं किसको छोड़ा जाए और किसको लिया जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने कायनात का नक्शा बदला है और ये जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की भी निशानी है। अब सोचते होंगे किस तरह रसूल होने की निशानी है, वो इस तरह शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्ला ने नबी और रसूल का फर्क यह बयान किया है कि रसूल अपनी जिंदगी में अपने दुश्मन का अंजाम अपनी आंखों से देख लेता है और ये शरफ एक नबी को हासिल नहीं होता, लिहाजा नबी का रुतबा रसूल से कम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चारी दुश्मनों का अंजाम अपनी आंखों से देखा और अल्लाह की कुदरत का शाहकार देखिए, उसकी मदद के अंदाज को देखिए, उसकी नुसरत के उसलूब को देखिए कि कुफार मक्का का जो सिपा सालार है उनको किसी बड़े जंगजू ने नहीं मारा, उन्हें जहन्नम के अंदर
दो छोटे बच्चों ने पहुंचाया है और उनके साथ एक तीसरे है जो बकरियों के चरवाहे हैं, जो बड़े ही लागर और नहीफ और कमजोर जिस्म वाले हैं, जिनका नाम सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रसी अल्लाह तआला अन्हु है। बच्चों ने तो उनको शहीद किया। अल्लाह सुल्जलाल वल इकराम बताना चाहते हैं, लोगों देखो ये मेरी मदद है। अबू जाहल कोई आम आदमी नहीं था ताकत के एतबार से। जब जंग शुरू होने से पहले इसकी और जो दूसरा बड़ा चौधरी है, कुफारे मक्का का बड़ा चर्रैल है जिसका नाम उत्बा बिन रबिया है, आपस में तूतकार भी होती है। उत्बा कहने लगा, ओ मक्कियों, कुरैशियों, हाशमियों, मुत्तलबियों और दीगर कबाइल से ताल्लुक रखने वालों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये यसरफ के ऊंट अपने ऊपर मुजाहिदीन को सवार नहीं किए हुए, ये तो मौत के सौदागर हैं, ये मौत के ताजिर हैं, ये मौत के व्यापारी हैं, ये तुम्हें भी ले डूबेंगे, लिहाजा अब भी मौका है, वापस चले जाओ। अबू जहल कहने लगा, बुज़दिल है ना, इस तरह की बातें करता है। अल्लाह जलाली वाले इकराम ने इसे इबरतनाक अंजाम से दो चार किस तरह किया। दो बच्चे हजरत मुआज बिन अमर और हजरत मुआज बिन अफरा रसी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों नौजवानों ने अबू जहल को कत्ल किया। अभी जख्मी पड़ा हुआ है। जुलजलाली वल इकराम चाहते हैं या अपनी आंखों से अपने लश्कर का अंजाम देखे, या अपनी आंखों से अपने साथियों का अंजाम देखे, या अपनी आंखों से अपने पूरी इस फौज का अंजाम देखे जो इस्लाम को खत्म करने के लिए बड़े बिफरे हुए अंदाज के अंदर, जोश और गुस्से के अंदर, जज्बे और जोशीले तरीके से मैदान बदर में आकर उन्होंने डेरा डाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इकराम ने इसको उतनी देर तक मौत नहीं दी जितनी देर तक इसने अपने लश्कर की शिकस्त को अपनी आंखों से नहीं देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रसी अल्लाह का बड़ा कमजोर सा जिस्म है, छोटा सा कद है, बारीक सी पिंडलियां है, माड़े बंदे जिस तरह होते हैं ना कई, यानी बड़े कमजोर से। एक मरतबा दरख्त पे चढ़े तो हवा आई, सहाबा इकराम हलसने लग गए कि हवा से ये नीचे गिर जाएंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद, आपने कहा मेरे सहाबा, इनके सारी वजूद पे ना छाओ, इनकी बारीक पिंडलियों को देखकर इनके बारे में फैसला ना करो, ये अल्लाह के यहाँ इतने पहुंचे हुए हैं, इतने ये बरगुसीदा है, अगर इनकी पिंडलियों को एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए और दूसरी तरफ जो 10 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल जोहद पहाड़ है उसको रख दिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियां ओहद पहाड़ से भी वतनी होगी। ज़ाहरी जसामत पे मत जाओ, ये बकरियों के चरवाहे थे, मक्का मुकर्रमा में बकरियां चराया करते थे। अबू जहल के सीने पे चढ़े, अबू जहल की गर्दन को उसके जिस्म से उतारने लगे, कहने लगा कि ये जरा नीचे से करके उतारना, पता चले किसी चौधरी का सर है, किसी बड़े जनरल का सर है, एक फौज के सिपा सालार का सर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इकराम ने अबू जहल को मरवाया बच्चों के हाथों और एक बकरियों के चरवाहे के हाथों, और इस तक पहुंचना कोई मामूली बात, आम बात नहीं थी, एक फिदाई हमले के बराबर था। लेकिन सुल्चरारी वाले इकराम की जब मदद आ जाए फिर सारी रुकावटें खत्म हो जाया करती है, तमाम दीवारें पीछे हट जाया करती है, तमाम पर्दे मुनकशफ हो जाया करते हैं, फिर दुनिया की हकीकतें सारी बदल जाया करती हैं। अल्लाह सुल्चरारी वाले इकराम ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों वही की वही क्या की, ए मेरे फरिश्तो, इद युही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम, फरिश्तो तुम जाओ मैदाने बदर में, आज इस्लाम का और कुफार का आपस में मुकाबला होने वाला है, मैदान कारसार सचने वाला है, एक तरफ 1000 का लश्कर शर्रार है और दूसरी तरफ 319 बंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा पूरे लश्कर को शामिल करके, तुम जाओ, अन्नी माकुम, ए फरिश्तों में तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ए फरिश्तों में तुम्हारे साथ हूं और तुमने जाकर क्या करना है, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, तुमने अहले ईमान के कदमों को साबित रखना है,
पिसवाई इख्तियार ना करें, पीछे ना हटें। और मैंने क्या काम करना है, मैंने दूसरा जो काम करना है, सअल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रुअब, मैं काफरों के दिलों में इन दरवेशों का ऐसा रोब डाल दूंगा, ये वैसे ही मैदान से भागना शुरू कर देंगे। उत्बा बिन रबिया ने सही जांच की थी, वो दानिश्वर था, आकबत अंदेश था, मामला फहम था और अंजाम को जानने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ जो जानिसार रखे थे वो आपके शाहीन थे, वो आपके जाफिदा थे, वो इस्लाम के सच्चे पैरोकार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अल्लाह जुलजलाली वल इकराम ने फरिश्तों को भेजा, कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने जाकर अहले ईमान के कदमों को मैदान कारसार के अंदर डटाना है, उनको पुख्ता रखना है। और अल्लाह जुलजलाली वल इकराम ने काफरों के दिलों के अंदर रोब डाल दिया और साथ ही 1000 फरिश्तों को कहा, 1000 फरिश्तों को कि तुम जाओ जमीन के ऊपर जाओ, अहले ईमान को हमने बज़ाहिर भी तुम्हारी तादाद बढ़ा के दिखानी है, यानी अहले ईमान 313 है ना, 1000 उनके अंदर फरिश्ते शामिल हो गए। अन्य मुबिद्दों को भी अल्फी मिनल मलाइकति मुर्दफीन, हम 1000 फरिश्तों को नासिल करने वाले हैं जो पै दर पै एक दूसरे के पीछे उतरने वाले हैं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं की, फरमाया ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसलासति आलाफि मिनल मलाइकति मुनसलीन, हम 3000 फरिश्तों को नासिल करने वाले हैं। फिर इसी पर इक्तिफा नहीं किया, फिर फरमाया बिखम्सति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, हम 5000 नूरी मखलूक को, फरिश्तों को जो ताकत के अंदर बे इम्तिहा ज्यादा है, मुसलमानों की मदद के लिए अंसार इस्लाम बना के, अंसार दीन बना के, आवान अंसार बना के, अंसार मदीना के साथ मिला के, मुहाजिरीन मदीना के साथ शामिल करके आज हम कुफार की तिक्का बोटी करना चाह रहे हैं। एक फरिश्ता भी काफी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की ज़ाहरी मदद के लिए एक फरिश्ता भी काफी था, फरिश्ता छोड़कर एक चंगाड़ भी काफी थी। लेकिन सुलचराली वाली कराम ने ज़ाहरी एतबार से कहा 5000 फरिश्ते नासिल कर रहा हूं, और फरिश्तों ने इसका मुशाहदा भी किया, सहाबाए किराम ने इसका मुशाहदा भी देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, 1763 नंबर पे मैदान कारसार गर्म है, एक मुसलमान काफिर का ताकुब कर रहा है, मुसलमान पीछे है, काफिर आगे आगे है, मुसलमान उसके पीछे भाग रहा है। ये मुसलमान कौन से जो बुखारों के मारे हुए, ये मुसलमान कौन से जो वाशी तंगी का शिकार है, ये मुसलमान कौन से है जो फाकों का शिकार है, ये मुसलमान कौन से है जिनके पास तिजारत नहीं है, जिनके पास मईशत नहीं है, लेकिन एक चीज है जो चीज हर चीज पे भारी हुआ करती है और वो अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह पे तवक्कुल है, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह की मदद के ऊपर ईमान है। अल्लाह जुलजलाली इकराम के साथ जो इस किस्म का गुमान रखे अल्लाह उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा करता। ये मुसलमान उसके पीछे भाग रहा है, मुसलमान ने ऊपर से आवाज सुनी, आसमान से आवाज आई, एक कोड़े की आवाज आई और साथ ही एक शाहसवार की आवाज आई। क्या कहता है, अकदिम हैसूम, हैसूम घोड़े का नाम है, और यह घोड़ा किसका है, यह फरिश्ते का घोड़ा है। फरिश्ता फिजा के अंदर अपने घोड़े को सरपट दौड़ा रहा है, उसके हाथ में कोड़ा है, अपने घोड़े को कहता है आगे बढ़ो, आगे चलो, जरा तेज रफ्तारी के साथ चलो, जरा आगे बढ़ो। ये सहाबी बयान करते हैं, मैंने देखा कि जो मेरा दुश्मन है, काफिर है, जिसका मैं ताकुब कर रहा हूं, मेरे सामने जा रहा है, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, वो गिरा और उसके नाक के ऊपर निशान है और उसके चेहरे के ऊपर इतना जिसना किसी जोर से किसी चीज से मारा जाता है, चेहरा फट जाता है। और जब वो गिरा मैंने देखा कि पूरे का पूरा वो सबज रंग का हो गया, मैंने ये यकीन कर लिया कि ये अभी ही जहन्नम वासिल हो चुका है।
ये सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस में आकर अपना वाकया बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदकता ज़ालिका मिन मददिस सबाई सालिसा, ए मेरे चालीसार अंसारी सहाबी तुमने बिल्कुल सच कहा है। ये तीसरे आसमान का फरिश्ता था जिसको अल्लाह सुल्जलाली वाली इकराम ने तुम्हारी नुसरत के लिए जमीन के ऊपर उतारा है, जिसको घोड़ा भी दिया, जिसको कोड़ा भी दिया, जाहरी तौर पर तुम्हारे साथ हैं और जिनका तुम ताकुब करते हो उनकी हलाकत का सबब बनने वाले ये फरिश्ते ही हैं। मुसनद अहमद की रिवायत है 948 नंबर पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, बयान करते हैं एक अंसारी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, उनको गिरफ्तार करके लाते हैं। और ये अंसारी सहाबी कौन से हैं? रजुलुन मिनल अंसारी कसीरुन, छोटे कद के। दार बात है उस जमाने की जंग ये बटनों की जंग नहीं थी, ताकत की जंग हुआ करती थी। जो जितना ताकतवर होता वो उतने बंदों से लड़ता था। एक बंदा एक दायरे के अंदर खड़ा होकर 10-20 बंदों का तनहा मुकाबला किया करता था। और जो बड़े बड़े जर्नल हुआ करते थे उनकी जो जंगी पॉलिसी हुआ करती, उनका जो अस्करी दाव पेश हुआ करता था वो 1000 बंदों के ऊपर भी भारी हुआ करता था। उन नामों में से एक नाम सैफ मिन सयूफ फिल्ला हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्हु का भी है। उन नामों में से एक नाम हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी है। तो अर्ज कर रहा हूं ये अंसारी सहाबी हजरत अब्बास को गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इनको गिरफ्तार किया है। हजरत अब्बास कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, इख्तिलाफ हो गया। वो कहते हैं मैंने गिरफ्तार किया है। हजरत अब्बास कहते हैं इन्होंने नहीं गिरफ्तार किया। हजरत अब्बास कहते हैं जिस बंदे ने मुझे गिरफ्तार किया था उसकी कैफियत ये है, रशुलुल अशलाहु मिन अहसरिन नास वजहा अला फरसिन अबलगा मा उराहु फिल कौम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसे बंदे ने गिरफ्तार किया है जिसका चेहरा बड़ा ही शगुफ्ता है, बड़ा ही वजी है, बड़ा ही बावकार है और बड़े ही बावकार अंदाज के अंदर आया और उसने आकर मुझे गिरफ्तार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास वजहा, लोगों में से वो सबसे खूबसूरत था और उसने एक ऐसा घोड़ा जो बड़ा ही कीमती है उस घोड़े के ऊपर सवार होके मुझे गिरफ्तार किया। मा उराहु फिल कौम, ये जो आपके अंसार व मुहाजिरीन है, ये जो आपके जानिसारान है, जो आपके फिदाकारान है, जंग के इख्तिताम के बाद मुझे वो खूबसूरत चेहरे वाला वो मुजाहिद नजर नहीं आ रहा जिसने मुझे गिरफ्तार किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसारी सहाबी कह रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरफ्तार किया है और जो गिरफ्तार होने वाले कैदी हैं वो कहते हैं मुझे ऐसे बंदे ने गिरफ्तार किया है जिसका भी मैं हुलिया बयान कर चुका हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, ऐ अंसारी सहाबी ये आपने गिरफ्तार नहीं किया, अल्लाह ज़ुलजलाल वल इकराम ने एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए इस्लाम के नुसरत के लिए आसमान से जमीन पर उतारा, उसने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार किया है। ये अल्लाह जुल जलाली वल इकराम की मदद थी। और तो और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूम है, मखदूमुल नास है, मखदूमुल मलाइका है। फरिश्ते भी आपके खादिम हैं, इंसान भी आपके खादिम है, मखदूमुल जिन जिन्नात भी आपके खादिम हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह जलाली वल इकराम ने फरमाया, जिब्रील तुमने भी मैदान बदर से पीछे नहीं रहना। सही बुखारी 3995 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, जब जंग शुरू हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासा जिब्रील आखिदुम बिरासी फरासिही अलैहि अदातुम बिल हरब, मेरे सहाबा
मैं इस जंग के अंदर, इस मैदान मक्तल के अंदर जिब्रील अमीन को भी देख रहा हूं जो अपने घोड़े के ऊपर सवार है। और सिर्फ सवार ही नहीं है, जंग के लिए जो जहरी आलात की जरूरत है, तलवार और नेजे की जरूरत है, ढाल और तुर्कश की जरूरत है, वो सारी चीजें हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ है, इनके पास है। और ये तुम्हारी मदद के लिए जिब्रील अमीन खुद भी तशरीफ लाए हैं। ये अल्लाह जलाली वाले इकराम की मदद के नजारे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो थे और हम हैं। आज गजा के अंदर जिस तरह मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हम सब उससे बखूबी वाकिफ है। हमारा उम्मत इस्लामिया का अलमिया यह है, आज तक हमें सही कियादत मुयस्सर नहीं आ सकी। और यह जिहाद बात याद रहे, हम पहले भी कहा करते थे, लोग बड़ी बातें किया करते थे, जिहाद के मुनकर है, जिहाद के मुखालिफ है। भाई जिहाद वही होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी के अंदर किया जाए। ये रियासत का काम है, किसी जमात का, किसी शख्सियत का ये काम नहीं है। ये रियासत का काम है, इस्लामी हुक्मरानों का काम है, इस्लामी जो हुक्मरान है, इस्लामी ममालिक है, उनका ये काम है कि वो एक ऐसी पॉलिसी तश्कील दें जिससे तमाम उम्मत इस्लामिया की हिफाजत हो सके। और जब हम मुखलिस होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमारी मदद के लिए अपने फरिश्तों को नासिल फरमाएंगे। अकूल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम।